आ, क्या कर रहे हो? मम्मी के लिए पजामी नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, मेरा तो यही काम है बर्तन धोने का। देखा, मम्मी का मुंह देख के पता लग गया था सूजे हुए हैं पूरे। सो गाइस, धोते हैं आज गाड़ी अपनी, क्योंकि बहुत टाइम से गाड़ी नहीं धोई। हालत दिखाऊं? ये देखो भाई, ये देखो। और यार गाइस, बाहर से धुलाने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज्यादा मिट्टी उड़ती है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे एरिया बन रहा है तो मिट्टी उड़ती रहती है। बाहर से धुलवा के लेके और 300-400 रुपये दे के आते खड़े करते ही गंदी हो जाती है, तो इसलिए मैं बहुत टाइम टाइम बाद धोता हूँ। चलाने का मन भी नहीं करता, अब गंदी होती है ना गाड़ी। अब दिखाता हूँ, मैं खुद धोऊंगा गाड़ी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं राधिका का मेकअप का सामान लेने। आज सबसे ज्यादा खुश है ये ना। एक तो चल रहा है ब्लैक फ्राइडे, ऊपर से मैं कर रही हूँ दीपक पैसे से शॉपिंग। तो पूरी पूरी आज खुश है, बहुत टाइम से कह रही थी मेकअप का सामान मेकअप का सामान, तो आज पूरी पूरी खुश है। तो बाकी बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि कौन सा मेकअप का सामान वगैरह यूज करती। बाकी राधिका के पापा की जो बरसी है उसके लिए हम लोग जा रहे हैं नेपाल। तो हम कब जा रहे हैं राधिका? 10th of December। हाँ, 10 December को जा रहे हैं नेपाल, बिकॉज अब बरसी है पापा की, 1 साल पूरा हो चुका है। तो उसके लिए भी, वहाँ जाने के लिए भी काफ़ी सामान लेना है भाई भूई के लिए, मम्मा के लिए। तो वो भी देखते हैं आज थोड़ा बहुत। आप भी कहते हो ना, हमेशा शॉपिंग के व्लॉग करते हैं, बट शॉपिंग के व्लॉग के बीच में बाकी भी व्लॉग होगा, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। तो किस किस को ऐसे होता है जब हम मायके जाते हैं ना, तो ऐसे होता है ना कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाए। और वैसे भी जब मेरे भाई और उसकी शादी हुई थी भाभी की, तो उनके लिए मैं कुछ लेके नहीं गई थी पिछली बार, तो उनके लिए भी कुछ ले रही हूँ, सबके लिए कुछ ना कुछ ले रही हूँ। और एक्साइटेड भी हूँ कि सबको कुछ ना कुछ दूंगी। हाँ, क्योंकि इतने दूर से जाना है ना। वैसे भी जब अगर आस पास हो ना, फिर भी कुछ नहीं होता, दूर से जाना होता है ना, सामने वाले भी एक्सपेक्ट रखते ही है कि कुछ ना कुछ ले आए। नहीं भी रखते फिर भी यार, होते ही यार, दूर से हर बंदे के होता है। जैसे हमारे पास कोई रिश्तेदार होता है, ऐसा लगता है कुछ ले आए, बट कोई लेके नहीं आता, वो अलग बात है, बट कोई बात नहीं। रिश्तेदार कोई देख तो नहीं रहे हो। तो गाइस, लेट्स गो। खर्चा। सो गई, शॉपिंग हो चुकी है। मेरी हालत से आपको पता लग गया होगा कि मैं पूरा लूट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। टोपी बिक गई है जो मैं टोपी पहन के आया था। तो अब हम लोग, भूख लगी बहुत ज्यादा, तो खा रहे हैं। आपको दिख ही गया होगा भीड़ कितनी थी यार। हाँ, बहुत। तो अभी यहाँ पे आया है चिकन रोल, इसके बाद आएगा मोमोज, और उसके बाद आएगा इतना खाना है। मंगाया इसने ही है, शक्ल देख के बताओ किसने मंगाया होगा इतना खाना। यही खाएगी क्या होता है वो सामान? देखो कितना लेके आई है, इतना सामान देख लो, 50,000 रुपए का। 50,000? ओ सॉरी, 25,000। बड़ा महंगा होता है यार मेकअप का सामान। मैंने मंगाया। चलो खाओ। सो गाइस, शॉपिंग हो चुकी है, दिखाओ, पीछे जाओ। तो शॉपिंग हो चुकी है, अब अंदर जाके देखते हैं क्या क्या लेके आए हम लोग। तो लेट्स गो। मुझे लगता है तेजस सो चुके हैं। हम लोग निकले 4 बजे और यहाँ पे बजे हैं 10:30। मम्मा क्या कर रहे हो? मम्मी के लिए पजामी नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, मेरा तो यही काम है बर्तन धोने का। देखा, मम्मी का मुंह देख के पता लग गया था सूजे हुए हैं पूरे, सूजी की तरह सूजे हुए हैं। नहीं सूजे मम्मी, नहीं सूजे, सूजी हूँ मैं तो, हमेशा सूजती हूँ। गुस्सा आ रहा है भाई, आज एक अकेले काम करना पड़ा। तेजस हो गया, वापस हो गया। देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं मम्मी। तो मम्मी के लिए एक चीज तो लेके आए ताकि खुश हो जाए थोड़ी। ये देखो, कंबल। कंबल थोड़ी है, ये है चादर, बिछाने के लिए चादर। तो गाइस, ये इन सामान के लिए इतना टाइम नहीं लगा जो हमने ले लिया। ये सामान एक, ये देखो, एक इसके लिए लगा है सबसे ज्यादा टाइम, बिकॉज आपने तो भीड़ देखी थी, कितनी ज्यादा भीड़ थी। तो वही भीड़ के कारण हमको इतना सामान लेने में, इतना टूटा तो नहीं, नहीं, बच गया। बेहोश हो रही थी अभी गाड़ी से निकालते वक्त ना, मेरे हाथ से गिर गया, कहती टूटा तो नहीं। तो हम इस चीज को लेने के लिए इतना मतलब टाइम लग गया, बिकॉज बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो मम्मी को भीड़ दिखानी पड़ेगी, तभी जाके राधिका के चांटे पड़ने से बच जाएंगे, वरना लफेड़े ही लफेड़े। मम्मा झाड़ू मारोगे चांटे? मैं कर
कभी किसी को चाटे नहीं मारती, झाड़ू मारते हैं सीधा। तो ये देखो गाइस, सामान बहुत सारा आ चुका है यहाँ पे। ऐसे कमेंट आते हैं ना, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, पता लग गया क्यों अच्छी लगती है। पता क्या है गाइस, मेकअप करती हूँ मैं, और हम नॉर्मल ब्रांड के साथ हम कर नहीं सकते क्योंकि हम उन्हें अगले को बेस्ट देंगे, तो इसलिए हमें चाहिए अच्छे अच्छे ब्रांड। इतने से सामान हमारे 25-30 हज़ार का, तो कमा के मेरे को तो कभी देते नहीं। आप अपने लिए कमाओ, मैं मेरे लिए कमा रही हूं। तो ये सामान फिर मेरे लिए, मेरे से क्यों, इसका तो दे दूंगी ना। चले ये वाला वीडियो कहाँ मिलेगी, व्हाट इज इन माय वैनिटी वैन। तो कौन कौन सा ब्रांड है, क्या क्या खरीदा गया, इसके चैनल पे आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इसलिए मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लुट गया हूँ भाई, मैं तो सो रहा हूँ। चलो बाय। इसको सोते वक्त हमेशा किसी ना किसी का फोन चाहिए, और इसको देखना होता है कार टूटू। ये देखो खुद जाके फोन लेके आएगा, सबका फोन पता है किसका फोन कौन सा है। ये देखो, ओ टूट हो जाएगा फोन। किसका फोन है ये, हैं किसका फोन है? पापा के साथ गुस्सा है तू? ये किसका फोन है, ये किसका फोन है? मम्मी फोन। और जिसमें वीडियो बना रहा हूँ वो किसका फोन है? चाचू फोन। ये फोन किसका है? ये किसका है? पापा। नहीं देखना फोन, नहीं तेजस फोन किधर है? तेजस फोन ये देखो जी, कल का मेकअप का सामान खुद यूज करके देखा जा रहा है कि हमारे मुंह में कैसा लगेगा, है ना? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और इतना सामान यूज करके अपने पति के पैसों का बता, मजा आ रहा है, मजा। तेजस, 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 ढीट, ढीट है ढीट। मम्मी, तेरा मम्मी को सुन लिया मेकअप करते हुए। तेजस,